हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आपका यूट्यूब चैनल देसी जिम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाते हैं मूंग दाल का हलवा, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है भाई। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो आइए भाई, बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरा दाल की हमने 4 घंटे के लिए भिगो दिया है, तो ये देखिए भाई, फूल कर काफ़ी बड़ी हो चुकी है, दाल फूल चुकी है भाई। तो पानी हमने अलग कर लिया, अब इसको पीस लेते हैं। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम सामग्री देख रहे थे भाई। 400 ग्राम मूंग दाल है, 2 घंटे के लिए हमने भिगो दिया है, पीस लिया। दरदरा में पीसना है भाई, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। 500 ग्राम हमारा घी है भाई, जितनी हम जरूरत होगी उतना हम ले लेंगे। और 300 ग्राम हमारा मावा है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, और 50 ग्राम हमारी सूजी है। आप चाहो तो सूजी स्किप भी कर सकते हो। और 500 ग्राम चीनी है, हम मावा भी डाल रहे हैं तो चीनी थोड़ी ज़्यादा डाल रहे हैं भाई। तो सबसे पहले हमने 100 ग्राम घी डाला है, इसमें थोड़ी हम सूजी भूनेंगे और बाकी का घी हम बाद में डालेंगे। सारा घी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए हम घी डालेंगे भाई। अपने जितनी ज़रूरत होगी उतना ही घी हम डाल रहे हैं। सूजी को हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे भाई। इस टाइम पे हमने गैस की फ्लेम को लो पे रखा है, आप गैस की फ्लेम को लो रखिए, हाई पर मत कीजिए। इस टाइम पे हमें लगातार चलाते हुए भुनना है। सूजी को भुनने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, इसका कलर चेंज करना है हमें। अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सूजी डालो। अगर आप ब्याह शादी में जो हलवा खाते हैं उसमें सूजी डाली जाती है भाई, तो हम सूजी के साथ चाशनी वाली मूंग दाल का हलवा बना रहे हैं। आप बिना चाशनी के बना सकते हो। अगर आप सूजी नहीं डाल रहे हो तो भाई ठंडे घी में आप दाल को डालिए। अगर आप गर्म घी में दाल को डालते हो तो फिर आपके दाल के पकौड़े बन जाएंगे भाई, तो आपकी मूंग दाल के हलवा का टेस्ट ही खराब हो जाएगा। सूजी को भूनते हो 4 से 5 मिनट हो गया अभी, और हमारी सूजी इस तरह से भून चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें दाल डालेंगे, इससे पहले हम डालेंगे इसमें घी। घी हमने बहुत कम डाला था भाई, तो बाकी का घी हम इसमें डालते हैं। अब भी हम सारा घी एक साथ नहीं डाल रहे, हमें थोड़ा घी डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना घी हम डालते जाएंगे। दाल भूनते भूनते जितना हमें कम लगेगा उतना घी हम डालते जाएंगे। तो बाकी का घी मैं और डाल रही हूँ इसमें, अब भी मैं एक साथ घी नहीं डालूंगी भाई, लगभग 150 ग्राम घी मैं और डाल रही हूँ इसमें। और फिर मैं गर्म करके इसमें डाल दूँगी दाल, ये थोड़ा गर्म हो जाए तो दाल डाल देंगे। ये देखिए भाई, घी डालने के बाद सूजी का टेक्सचर कैसा हो गया। सूजी तो हमारी पक चुकी है, थोड़ा सा घी गर्म हो जाए फिर हम इसमें दाल डालेंगे भाई। अब इसमें दाल डाल देते हैं भाई, घी हमारा गर्म हो चुका है तो दाल हम डाल देते हैं। घी ज़्यादा गर्म है तो हम दाल आराम से डालेंगे। हलवा खाना तो भाई बहुत आसान है, बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है, लेकिन बनाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप मावा भी घर पर बना रहे हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है भाई, मावा बनाओ पहले फिर हलवा बनाओ। हलवे को बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इसमें शुरू में दाल चिपकने लगती है, जैसे जैसे दाल पकने लगती है तो दाल अपने आप कढ़ाई छोड़ने लगती है। इस टाइम पे दाल का कलर भी काफ़ी लाइट है, धीरे धीरे कलर भी डार्क हो जाएगा। तो हमें लगातार जलाते हुए भी खाना है। इस टाइम पे दाल काफ़ी चिपक रही है, हमें घी कम लग रहा है तो मैं घी और डाल लेंगे। हमें ज़रूरत होगी उतना घी हम डालेंगे भाई। बेदे की भी थोड़ी देर पकने के बाद चिपकना बंद हो गया है, दाल हमारी पकनी शुरू हो गई है। तो इस तरह से हमें चलाते हुए दाल को भूनना है। इस टाइम पे हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखा है भाई, और हम इसमें डालेंगे घी। ये देखिए भाई, दाल हमारी पकनी शुरू हो गई है और कढ़ाई में चिपकना भी बंद हो गई है। गैस की फ्लेम को आप हाई पर नहीं करना है भाई, अगर हाई पर करते हो तो दाल जल्दी जल्दी भाई पक तो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस टाइम पे हम घी गर्म करके नहीं डाल रहे हैं भाई, आप चाहो तो गर्म करके डाल सकते हो। हम सीधा ही घी डाल रहे हैं, तो हम घी डालकर लगातार चलाते हुए दाल को पकाएंगे। इस टाइम पे भी दाल को हम नहीं छोड़ेंगे भाई, दाल हमारी पकनी शुरू हो गई। ये देखिए भी कलर भी चेंज होने लगा है, थोड़ा थोड़ा कलर डार्क होने लगा है। तो हम लगातार चलाते हुए दाल को पकाएंगे। हर किसी के यहाँ भाई अलग अलग तरीके से हलवा बनाया जाता है, आप किस तरह से बनाते हो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। और कोई कमी है तो आप सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हलवे को पकते काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे हम पकाते हैं भाई, थोड़ी आंच पर तो टाइम लगता है और अच्छा भी बनता है। अगर हम थोड़ी आंच पर बना रहे हैं तो भाई अच्छा हलवा बनेगा, अगर हम जल्दी जल्दी पका रहे हैं तो हलवे का पूरा टेस्ट ही खराब हो जाएगा। तो हमें धीरे धीरे आँच पर हलवे को पकाना है भाई, थोड़ा टाइम तो लगता है और टाइम के साथ ही हलवा टेस्ट ही बनता है। हम लगातार चलाते हुए हलवे को पकाएंगे। इस टाइम पर भी हम हलवे को नहीं छोड़ेंगे,
अभी नवरात्रे आने वाले और माता रानी का आगमन होने वाला है, तो इस नवरात्रे भाई आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और कैसी बनी अपने एक्सपीरियंस कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ भाई थोड़ी देर बाद में। बीस महीने तो हो चुके हैं, ये देखिए काफ़ी हद तक उनका पक चुका है और कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है। और घी आपको कम लग रहा है लेकिन घी कम नहीं है अभी, हमने 500 ग्राम घी डाल दिया है तो हम इतना घी डालेंगे इसमें। पकते पकते घी अपने आप छोड़ने लगेगा भाई, तो ये देखिए इस टाइम पे घी कम लग रहा है, दाल पकते पकते घी अपने आप छोड़ने लगेगी। आप हलवा बना रहे हो तो कढ़ाई भारी पेंदे की लेना, पतले पेंदे की कढ़ाई बिल्कुल मत लेना। अगर आप हल्के पेंदे की कढ़ाई ले रहे हो तो भाई फिर हलवा चिपकने लगेगा और जलने भी लगेगा, फ्लेम कम होगी तब भी जलने लगेगा। अगर आप भारी पेंदे की ले रहे हो तो कढ़ाई गर्म होते होते टाइम लग जाता है भाई, और फ्लेम हलवे तक पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है। हलवे को भाई चलाते हुए पकाइए। हम चाशनी वाला हलवा बना रहे हैं तो हम चाशनी भी बना देंगे, एक बार नहीं बनाएंगे भी थोड़ी देर बाद बनाएंगे। हलवा कुछ हद तक पक जाएगा फिर हम चाशनी बनाएंगे। अगर आप लोग मावे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप पानी की जगह दूध डाल सकते हो, दूध आप अपने हिसाब से रख सकते हो भाई आपके पास इतना है। दूध डाल रहे हो तो भाई आप फुल फैट दूध डालना, बिना क्रीम वाला दूध मत डालना, फुल क्रीम दूध इसमें डालना भाई। आप मूंग दाल का हलवा थोड़ा अलग तरीके से बनाना चाहते हो तो भाई सूजी के साथ आप 50 ग्राम बेसन भी भून लीजिए। आप दाल की क्वांटिटी के हिसाब से बेसन डाल सकते हो। हमने 400 ग्राम दाल में 50 ग्राम सूजी डाली थी, आप उसी हिसाब से भाई सूजी और बेसन मिलाकर भून लीजिए। अगर हम बेसन डालते हैं तो फिर दाल शुरू में चिपकती नहीं है, तो आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन हमने स्किप कर दिया भाई। तो हमारा हलवा पकने लगा है, काफ़ी हद तक हलवा पक भी चुका है तो हम जल्दी जल्दी इसको और भून लेते हैं भाई। आज हम चाशनी वाला हलवा बना रहे हैं, हलवा स्टाइल में हम चाशनी वाला हलवा बना रहे हैं भाई। ब्याह शादी पार्टियों में जो हलवा होता है जो चाशनी से बनाया जाता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो हम भी चाशनी के साथ बना रहे हैं और चाशनी के साथ हलवा बहुत टेस्टी बनता है। आप चाशनी नहीं बनाना चाहते तो आप बूरा चीनी या चीनी को पीस कर इस्तेमाल में ले सकते हो। तो ये देखिए हलवा हमारा पकने लगा है, लगातार चलाते हम इसको पकाएंगे। हलवे को पकते भाई पौन घंटा लग जाता है, अगर हम आराम से बनाते हैं तो 45 मिनट लगभग लग जाते हैं। तो हमें आराम से हलवे को पकाना है भाई, क्वांटिटी भी काफ़ी है। अगर आप थोड़े लोग हो तो थोड़ी क्वांटिटी भी रख सकते हो, लेकिन हमारी फैमिली बहुत बड़ी है भाई तो हम अपनी फैमिली के हिसाब से क्वांटिटी रख रहे हैं। तो इसको चलाते हम लगातार पकाएंगे। देखिए कलर भी चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक, ये कलर डार्क हो गया है और हलवा हमारा अच्छी तरह से पकने लगा है। दोस्तों अब दाल पकने में थोड़ा ही टाइम है तो अब हम बना लेते हैं चाशनी। तो आइए भाई पहले चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने पहले लिया है इसमें 500 ग्राम चीनी डालेंगे। बर्तन से हम पानी डालेंगे भाई, सेम क्वांटिटी पानी की रखेंगे, चलाते हुए चाशनी को हम पका लेंगे भाई। चाशनी हमें चिपचिपे बनानी है, गैस की फ्लेम को हाई पर कर देते हैं और साथ में हलवा चलाते रहते हैं भाई, उसे छोड़ दिया तो वो भी चिप जाएगा। दोस्तों चाशनी में बॉयल आ चुका है तो इसमें डालेंगे भी थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर डाल रहे हैं हम। आपके पास केसर है तो दूध में भिगो कर केसर भी डाल सकते हो, या फिर येलो और रेड कलर दोनों मिक्स करके भी आप डाल सकते हो। हलवाई लोग येलो और रेड कलर डालते हैं भाई, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो ये देखिए भाई बहुत अच्छी चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। हमें एक चिपचिपी चाशनी बनानी है, इसमें तार लेके नहीं आना है भाई। ये देखिए भाई इस तरह की हमें चाशनी चाहिए, चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। इस टाइप की चाशनी हमें चाहिए भाई, इसमें तार लेके नहीं आना, इस तरह से चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए। इस तरह से आप उंगलियों में लेकर चेक कर सकते हो। तो ये हमारी परफेक्ट चाशनी बन चुकी है। हलवा हमारा लगभग पड़ चुका था स्टेज पर, बना लेंगे भाई मावा। कलर भी देख के डार्क हो गया है, पहले लाइट लग रहा था डार्क हो गया है। ये देखिए भाई हलवा हमारा पक चुका है, हम मावा डाल देंगे। अरे भाई घर का मावा है तो हम टुकड़ों में तोड़ कर डाल रहे हैं, आपके पास मार्केट वाला है तो आप भाई उसको ग्रेट करके डालिए। और हमने अभी बनाया था, अभी तो ताज़ा है। दाल हमारी पक चुकी है, इसको पकने में भी लगभग 45 मिनट लग गया। तो ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है और दाल भी अच्छी तरह से पक चुकी है और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी भाई। पड़ोसियों तक को पता चल गया कि दाल का हलवा बन रहा है। ये देखिए
दाल हमारी पक चुकी है, तो अब इसमें डालेंगे भी मावा। मावा हम टुकड़ों में तोड़ कर डाल रहे हैं, आप चाहो तो ग्रेट करके भी डाल सकते हो। अगर मार्केट वाला मावा है तो आप ग्रेट करके डालिए, लेकिन हम तोड़ कर डाल रहे हैं, अभी ताज़ा है, हमने अभी बनाया है। आप चाहो तो बिना मावे के भी हलवा बना सकते हो, आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलाते हुए हम लगातार मावे को पकाएंगे और अच्छी तरह से दाल के अंदर मिक्स करेंगे। इस टाइम पे हमें जल्दी जल्दी आँच चलानी होगी भाई, और गैस की फ्लेम को थोड़ा कम रखेंगे और मावे को अच्छी तरह से हम दाल के अंदर मिक्स करेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए हमें दाल को पकाना है। इस टाइम पे हमें जल्दी जल्दी आँच चलाना होगा, वरना मावा चिपक जाएगा। तो आँच जल्दी जल्दी चलाएंगे भाई, मावे को अच्छी तरह से मिक्स भी करना है, थोड़ी देर के लिए हमें पकाना भी है। और लगातार चलाते हुए हम मावे को भाई इसके अंदर पकाएंगे। तो इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे। अगर आपकी कढ़ाई हिल रही है तो भाई आप कपड़े की सहायता से एक साइड में से पकड़ लीजिए और फिर आप लगातार चलाइए। इतने टाइम में भाई हाथ थक जाते हैं, तो आपका हेल्पर कोई और है तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। दो जने बना रहे हो तो थोड़ा आसान रह जाता है। तो इस तरह से हम हलवे को पका लेंगे भी। इस टाइम पे गैस की फ्लेम को हम कम ही रखेंगे। इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, हाई पर नहीं करेंगे। दो तीन मिनट के लिए मावे को हम दाल के साथ पकाएंगे। धीरे धीरे आंच पर हम लगातार चलाते हुए दो तीन मिनट के लिए इसको पकाएंगे। आप चाहो तो काजू बादाम दाल के साथ पीस कर भी ले सकते हो, लेकिन हम कट करके ले रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, और हम इलायची और काली मिर्च को भी कूट कर ले रहे हैं। आप चाहो तो जायफल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो कद्दूकस से थोड़ा सा घीस लीजिए और आप थोड़ा सा जायफल डालिए भाई, बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, जायफल बहुत तेज़ होता है, तो थोड़ा सा जायफल हमें डालना है। इस तरह से लगातार चलाते हुए हलवा को बनाएंगे भाई। हलवा हमारा लगभग बन चुका है, तो हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप चाहो तो भाई बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमने बहुत कम ड्राई फ्रूट लिए। थोड़े से काजू बादाम इलायची और काली मिर्च का इस्तेमाल किया। आप चाहो तो पिस्ते और किशमिश का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को भी हलवा एक साथ पका लेंगे। आप चाहे तो फ्राई करके भी ले सकते हो, लेकिन हमने भाई कट करके सीधे ही लिया है, तो हम थोड़ा सा दाल के अंदर इनको पकाएंगे। थोड़ा हलवा हमारा रेडी हो चुका है, तो इसमें डालेंगे भाई चाशनी। चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चालू गैस की फ्लेम पर हम चाशनी नहीं डालेंगे भाई, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम गैस को चालू करेंगे। तो इस तरह से हम चाशनी डाल देते हैं भाई। इस टाइम पे गैस की फ्लेम को हमें बंद रखना है और अच्छी तरह से चाशनी को मिक्स करने के बाद ही हमें गैस को ऑन करना है। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस टाइम पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी आँच चलाना होगा, हमें पूरी गांठें ख़त्म करनी होगी। तो अच्छी तरह से हमें मिक्स करते हुए चाशनी को मिलाना है और फिर हम गैस की फ्लेम को चालू कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं। इस टाइम पे हलवा काफ़ी पतला लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे दाल पानी को सोखेगी हलवा अपने आप सेट हो जाएगा भाई, और बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ हमारा हलवा। सच में बहुत टेस्टी बना भाई। आप इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना। तो ये देखिए भाई, दोस्तों हलवा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए भाई, बनने में लगभग 45 मिनट लग चुके हैं इसको, तो फाइनली बन चुका है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और कढ़ाई को नीचे उतार लेते हैं। आप लोगों को भी खिला देती हूँ। ये देखिए क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है, बच्चों ने खा लिया और मेहमान भी आए थे तो सब लोगों ने खा लिया भाई। थोड़ा सा हलवा बचा है तो आप लोगों को भी खिला देती हूँ। ये देखिए इसमें थोड़ा कलर डिफरेंट नज़र आ रहा है भाई, लाइटिंग का कमाल है, तो आप लोग भी खा लीजिए। सच में बहुत ही यम्मी बना है। इस टाइम पे थोड़ी आवाज़ मेरी डिफरेंट आ रही है भाई, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट है, तो इग्नोर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।